सबसे पहले एक सीधा मार्क लगा लेंगे और यहाँ पे सवा इंच पे मार्क लगाएंगे, यहाँ से लेंथ ना हो 45 इंच। यहाँ पे 17 इंच वेस्ट का मार्क रहेगा, 24.5 इंच हिप का मार्क रहेगा, इसके बाद ये यहाँ पे रख के ये आर्मूल के लिए मार्क उठा लेंगे। अब यहाँ से तो स्ट्रेट मार्क रहेगा, यहाँ तक सिलाई हो जाएगी। यहाँ से हम नापेंगे इसका तंदी, 17 इंच है, 17 इंच और थोड़ा बढ़ के लगाएंगे। चेस्ट है 35 इंच और थोड़ा बढ़ के लगाएंगे मार्क। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सेप देंगे राइट, उसके बाद इस यहाँ से स्ट्रेट ले लेंगे। देंगे 32 इंच बेस्ट है, 36 इंच हिप है, 9 इंच देंगे थोड़ा बढ़ के लगाएंगे, यहाँ पे भी थोड़ा बढ़ के लगाएंगे। अब यहाँ से हमारे से पूरा अंदर ले लेंगे, यानी आधा इंच अंदर ले लेंगे, जिस चेस्ट का मार्क लगाए हैं वो उससे आधा इंच अंदर ले लेंगे, फिर यहाँ से क्रॉस मार्क लगा लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से 3 इंच पे मार्क लगाएंगे गले के लिए। अब इसको यहाँ पे गोलाई कर देंगे और यहाँ से मार्क लगाएंगे, यहाँ पे हल्का गोलाई करेंगे। तो इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। फ्रेंड है इस तरह आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा। इससे पहले मैं ये फ्रेंड कटिंग कर रहा था जिससे रिकॉर्ड होना बंद हो गया था, जिससे सही से ठीक तरह से मैं इसका कटिंग भी बता नहीं पाया क्योंकि कैमरा में कुछ ख़राबी हो गई थी, इसके वजह से नहीं हो पाया। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी ये बैक का आपको कटिंग करके दिखा दिया हूँ। अब यहाँ से हल्का नीचे डाउन कर 1.5 इंची बढ़ा लीजिए, यहाँ पे 1.5 इंची बढ़ा कर इसको कटिंग कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे इसमें कपड़ा कम है,
तो मैं दूसरे पल्ला में इसको कटिंग कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे हल्का जॉइंट लगाया हूँ, तो इसमें कपड़ा कम पड़ रही थी, इसलिए आप इसको कट करें तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसके वजह से यहाँ पे इसको जॉइंट लगाएंगे, फिर उसके बाद कटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट सही कटिंग हुई है। अब यहाँ जितना है उतना नीचे रख के 1.5 इंच ज़्यादा करके सीधा स्ट्रेट मार्क लगा के कटिंग कर लीजिए।